तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी हॉरर मूवी को जो कि रियल कर्स्ड गेम से इंस्पायर्ड है और यहाँ पर ये एक रियल स्टोरी के ऊपर भी बेस्ड है जिसको एक गेम के अंदर कन्वर्ट करके कहानी हमको सुनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक गेमिंग एनिमेशन को देखते हैं जिसके अंदर मेन कैरेक्टर एक मैंशन में जाता है। ये गेम असल में एक हॉरर गेम होता है और मैंशन में जाने के बाद में गोस्टली विच उस पर अटैक कर देती है और उसको फांसी से लटकाकर मार डालती है और इसी के साथ में वो गेम ओवर हो जाता है। अब हम उस गेम के रियल प्लेयर को देख पाते हैं जिसका नाम लूमिस होता है। लूमिस को ये गेम फ्री में टेस्टिंग के लिए मिला था। अब यहाँ पर लूमिस को ये गेम बहुत अच्छा और क्रीपी लगा था तो वो उसके फ्रेंड हच को इसके बारे में कॉल करके बता देता है, जिसके बाद में जब वो सो रहा होता है कि तभी उसके रूम में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो वहाँ से उठकर अपने रूममेट रेक्स के रूम में जाता है जहाँ पर रेक्स और उसकी गर्लफ्रेंड सैरा होते हैं। खैर वहाँ से आने के कुछ ही देर के बाद में उसे अपने किचन में एक शैडो दिखाई देती है और तभी उसे वही गेम वाली विच दिखाई देती है जिसको देखकर वो ऊपर भागता है और यहाँ पर रेक्स के रूम में आकर वो ये देखता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई है। जी हाँ, और कुछ ही पल में लूमिस की भी उसी तरह से डेथ हो जाती है जिस तरह उसके गेम के कैरेक्टर की हुई थी। अब ये देखने के बाद में हम इतना तो जान चुके हैं कि ये गेम कोई आम गेम नहीं है और ये कर्स्ड है। खैर अब सीन चेंज होता है और हम हच को देखते हैं जो कि एक वीडियो गेम कंपनी में काम किया करता था। वो अपने बॉस से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक कॉल आता है जिससे उसको ये पता चलता है कि उसका फ्रेंड लूमिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद हम उसको लूमिस के फ्यूनरल पर देखते हैं जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम एबिगेल था। वहीं पर एमा भी आती है जो कि लूमिस की सिस्टर होती है। वो हच को एक बैग देती है जिसमें वही वाला वीडियो गेम होता है जो कि लूमिस खेल रहा था। इसके बाद में वो उस बैग को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड अक्टूबर के पास में जाता है। बात करें अक्टूबर के बारे में तो उसका एक गेम पार्लर होता है जिसको 3 लोग मिलकर चलाते हैं। अक्टूबर का भाई फिन और उसी का एक दोस्त स्विंग। अब यहाँ पर हम लूमिस और हच की चाइल्डहुड पिक को भी देख पाते हैं जिसका मतलब ये था कि वो दोनों ही बचपन से साथ थे। अब इसके बाद में हच उन सभी को उस वीडियो गेम के बारे में बताता है। असल में उस वीडियो गेम का नाम स्टे अलाइव था। जिसके बाद में वो सब उसी वीडियो गेम को खेलने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद वो सभी हच के घर आते हैं जहाँ पर वो सब वीडियो गेम खेलने के लिए एक्साइटेड थे। वहाँ पर एबिगेल भी इनवाइटेड थी जिसको इनवाइट किया था हच ने। खैर इसके बाद वो लोग उस गेम को स्टार्ट करते हैं और उनके साथ हच का बॉस भी खेल रहा होता है जो कि ऑफिस से ऑनलाइन खेल रहा था। अब यहाँ पर गेम स्टार्ट करने के दौरान एक पोयम आती है जो कि किसी एलिजाबेथ के बारे में थी। अब जब तक वो लोग उस पोयम को नहीं पढ़ेंगे तब तक वो गेम शुरू नहीं होगा। वो सब उस पोयम को पढ़ने लगते हैं और इसके बाद में उनका गेम शुरू हो जाता है। उस गेम में वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एक गोस्ट गर्ल आती है जिसको मारने के बाद उसके पास एक रोज मिलता है। उसका बॉस मिलर उस रोज को उठा लेता है और यहाँ पर अक्टूबर ये बताती है कि उसने ये सुना है कि अगर हमारे पास में रोज होते हैं तब कोई भी गोस्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर इसके बाद में वो सब गेम में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर वो गोस्टली बच्चों को मारने लगते हैं। इधर मिलर उन सबसे अलग एक बेसमेंट टाइप जगह पे चला जाता है जहाँ पर वो रोज को ड्रॉप कर देता है और वहाँ पर एक गन को उठा लेता है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और वो मिलर के कैरेक्टर को मार डालती है जिसके बाद उसका गेम ओवर हो जाता है। अब यहाँ पर वो सब अब गेम से ब्रेक लेते हैं और जिसके बाद हम मिलर को देखते हैं जिसको अजीब अजीब चीजें दिख रही होती हैं। वो घबराते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके सामने एलिजाबेथ आ जाती है जो कि उसको जान से मार देती है। जी हाँ, खैर अगले दिन हच को भी मिलर की डेथ के बारे में पता चल जाता है और इसके बाद में हच से डिटेक्टिव पूछताछ करता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर वो मिलर की लाश देखते हैं और मिलर ठीक वैसे ही मरा था जैसे उसका कैरेक्टर मारा गया था, जिससे कि हच बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और ये बातें वो अपने दोस्तों को भी बताता है और उस वीडियो गेम से दूर रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ फिन अकेला बैठकर उस वीडियो गेम को खेल रहा होता है और उस वीडियो गेम में उसके हाथ में एक शीशा था और तभी वो अचानक से टूट जाता है। अब उस टूटे हुए शीशे में उसको एक बग्गी अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है और वो उस गेम को पॉज कर देता है क्योंकि उस बग्गी की आवाज उसको रियलिटी में भी आ रही थी। खैर उसके थोड़ी ही देर के बाद में उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं। अब घर पर हच शेव कर रहा होता है कि तभी उसका मिरर अपने आप क्रैक हो जाता है और उसकी आंखें भी वाइट होने लगती हैं। जिसके बाद रात में ऑफिस में आकर हच लूमिस के साथ हुए हादसों के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और ऐसी ही कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं उसके दोस्तों के साथ में भी घटित हो रही थी। खैर अगले दिन ये सारी चीजें वो अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि लूमिस की डेथ भी वैसे ही हुई थी जैसे उस वीडियो गेम के कैरेक्टर की हुई थी। और अब यहाँ पर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये गेम ठीक नहीं है। अब यहाँ पर अक्टूबर उनको एलिजाबेथ की स्टोरी सुनाने लगती है जो कि रियलिटी में भी एग्जिस्ट किया करती थी और उस गेम की स्टोरी उसी से इंस्पायर्ड थी। असल में एलिजाबेथ छोटे छोटे बच्चों को मारकर उनके खून से नहाया करती थी जिससे उसको ऐसा लगता था कि वो हमेशा जवान बनी रहेगी। जब लोगों को उसके बारे में पता चला तब लोगों ने उसे उसी के मेंशन में बंद कर दिया दिया था मरने से पहले, और एलिजाबेथ ने सबको ये कहा था कि वो एक दिन वापस लौटकर जरूर आएगी। अब यहाँ अक्टूबर को ऐसा लगता था कि ये वीडियो गेम उसी को वापस लाने के लिए है, और यहाँ पर अब वो सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उनके बीच में फिन नहीं है, और इधर फिन आराम से अपनी कार से कहीं पर जा रहा था। तभी उसके सामने एक औरत आ जाती है, जिसके बाद वो गाड़ी रोककर बाहर आता है। तभी वो लोग फिन को कॉल करते हैं क्योंकि फिन के कैरेक्टर की गेम में डेथ हो गई थी, और ये पता चलने के बाद में वो उसकी लोकेशन पूछते हैं और फिन उनको अपनी लोकेशन बता देता है। उसके बाद में उसे उसी बग्गी की आवाज आने लगती है, और यहाँ पर तभी रियल बग्गी आकर उस पर चढ़ जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर फिन को देखकर अक्टूबर टूट जाती है, और वो सभी लोग यहाँ पर सदमे में आ गए थे। जिसके बाद में वहाँ पुलिस और डिटेक्टिव आते हैं और हच से पूछताछ करते हैं, तो हच उनको उसी वीडियो गेम के बारे में बताता है, लेकिन ऑब्वियसली उस पर कोई विश्वास नहीं करता। जिसके बाद में वो डिटेक्टिव हच को साइड में ले जाकर उससे पूछताछ करने लगता है। इधर एक ऑफिसर उस गेम को खेलने लगता है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है। हच जल्दी से आकर उस लैपटॉप को बंद भी कर देता है, जिसके बाद में वो सभी फ्रेंड्स एक साथ होते हैं, जहाँ पर वो तय करते हैं कि वो लोग उस गेम के डेवलपर के पास जाएंगे जिसने उस गेम को बनाया है। जिसके बाद हम उसी ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक गेम शॉप में स्टे अलाइव गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने आया था। वो अपनी कार में बैठा होता है कि तभी पीछे से एलिजाबेथ भी आकर उसको मार डालती है, और इधर हच और एबिगेल लूमिस के घर पर जाते हैं उस गेम के डेवलपर के बारे में जानने के लिए। वहाँ पर उन्हें उसका एड्रेस मिल जाता है, वो उस जगह के लिए निकल जाते हैं, और इधर स्विंक और अक्टूबर को पता चलता है कि वो ऑफिसर भी मारा जा चुका है जिसने कि वो गेम खेला था। जिसके बाद में वहाँ पर पुलिस आने लगती है। ये सब बातें अक्टूबर हच को बताती है, और हच उनको लूमिस के घर मिलने के लिए बुलाने लगता है। अब वहाँ पर आने के बाद में अक्टूबर कहीं पर चली जाती है, और स्विंक से पूछने पर ये पता चलता है कि वो स्मोक करने गई है, कि तभी वो लोग उसे वीडियो गेम के अंदर देखते हैं, और यहाँ पर वो रियलिटी में भी उसी जगह पर होती है जहाँ पर वो वीडियो गेम में थी। यहाँ पर उसके सामने वाले घर पर एलिजाबेथ उसको देखती है, जिसके बाद में वो अंदर जाती है, जहाँ पर थोड़ा आगे जाने पर उसको एलिजाबेथ मिल जाती है। वो दिखने में बिल्कुल गेमिंग एनिमेशन जैसी थी, यानी कि वो एक तरह की गोस्ट यहाँ पर थी, और ये बात कन्फर्म हो जाती है कि ये जो गेम है वो कर्स्ड है। अब अचानक से ही वो अक्टूबर को खींचकर कहीं ले जाती है, और इधर वो तीनों ही अक्टूबर को आवाज लगाते हुए बचाने जाते हैं। अब वीडियो गेम अपने आप ही चल रहा था, और इन रियलिटी उनको वो घर भी मिल जाता है। अंदर एलिजाबेथ ने अक्टूबर को उल्टा लटकाया हुआ था, और उन लोगों के आने से पहले ही एलिजाबेथ अक्टूबर को इंजर्ड कर देती है। वो अंदर आकर अक्टूबर को संभालते हैं, जिसके बाद में हम उन्हें उनकी वैन में देखते हैं, जहाँ पर इन सबका जिम्मेदार हच अपने आप को मान रहा था। अब यहाँ पर स्विंग उनसे ये कहता है कि क्यों ना वो उस गेम के डेवलपर के पास में जाएं, और यहाँ पर वो उस गेम के डेवलपर का एड्रेस पता लगाते हैं। जिसके बाद में हच और एबिगेल अंदर जाने लगते हैं, और बाहर स्विंग उस गेम को खेल रहा होता है। उस एड्रेस पर एक बड़ा सा मेंशन था, और वो दोनों उसके अंदर जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। असल में इस गेम के अंदर दो मेंशन होते हैं, और स्विंग सेकंड वाले मेंशन में जाता है, जो कि एग्जैक्ट वैसा ही था जिसमें अभी हच और एबिगेल गए थे। वो समझ जाता है कि उस जगह पर एक और मेंशन है जिसमें एलिजाबेथ रहती है। वो हच को फोन करके गाइड करता है और उस मेंशन तक उसको ले जाता है। वो मेंशन देखकर वो भी हैरान था, और इधर एबिगेल भी समझ जाती है कि ये वही गेम वाली जगह है। यहाँ उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो कि विचेस यूज करती हैं। इसी बीच वो एलिजाबेथ का एक फोटो भी देखती है, और वहाँ पर उसकी एक डायरी भी मिलती है जो कि एलिजाबेथ की ही थी। जिसके बाद में वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है, और उसे देखने के बाद में वो जोर से चिल्लाने लगती है। अब यहाँ पर हच उसको बचाने के लिए जाने लगता है, और यहाँ वीडियो गेम में जो चीजें स्विंग कर रहा था वो रियलिटी में भी हो रही थी। यहाँ हच एलिजाबेथ के पास पहुँचता है, जहाँ पर गेम में स्विंग रेड रोजेस लाकर एलिजाबेथ पर फेंक देता है, जिससे वो गायब हो जाती है। अब यहाँ एलिजाबेथ स्विंग को टारगेट करती है, और वो जब बाहर आता है तब वैन के गेट खुद पे खुद बंद हो जाते हैं। जिसके बाद में गेम के अंदर स्विंग के पीछे वही बग्गी पड़ जाती है। वो जैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन ज्यादा देर तक खुद को बचा नहीं पाता, और वो जाकर रोजेस के पौधों पर जा गिरता है। लेकिन एलिजाबेथ अपने हथियार के साथ वहाँ आ जाती है, जिसके बाद उसका भी गेम ओवर हो जाता है, और ये हच और एबिगेल भी देख लेते हैं, और अब वो दोनों अकेले बचे हुए थे। जिसके बाद में वो कुछ रोजेस अपने पास रख लेते हैं, और अब यहाँ पर उनको पता चल गया था कि एलिजाबेथ को कैसे मारना है। असल में उसे मारने के लिए उन्हें उसकी डेड बॉडी के सर, हार्ट और पैर में कील ठोकनी होगी, यानी कि 3 कील उसकी बॉडी में ठोकनी पड़ेंगी। और उसकी डेड बॉडी मेंशन के टावर में है। वो मेंशन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनके पास प्रोटेक्शन के लिए रेड रोजेस थे। यहाँ पर अचानक से ही एबिगेल के सामने एलिजाबेथ आ जाती है, जिसके ऊपर वो बहुत सारे रोजेस फेंकती है, जिसके कारण उनके पास बहुत कम फ्लावर्स बचे थे। वो आगे बढ़ते जाते हैं, जहाँ पर उन्हें टावर पर जाने का रास्ता मिल जाता है, और हच उस दरवाजे में जाता है, जिसके बाद वो दरवाजा खुद पे खुद बंद हो जाता है। यानी कि अब एबिगेल दरवाजे की उस तरफ रह जाती है, और वो हच को ये काम अकेले ही करने के लिए बोलती है, लेकिन हज उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर उसके फोर्स करने पर उसको जाना पड़ता है। अब इधर उसके जाने के बाद में एलिजाबेथ एबिगेल के पास में आ जाती है और उसको उल्टा लटका देती है ताकि वो उसका खून निकाल सके। ऊपर हज को एलिजाबेथ की लाश भी मिल जाती है और वो उस लाश के अंदर कील ठोकता है और इधर एलिजाबेथ एबिगेल को मारने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही हज उसके शरीर में तीनों कील को ठोक देता है। अब यहाँ एलिजाबेथ एबिगेल के पास से गायब होकर अपने शरीर में आ जाती है और तुरंत ही जाग उठती है। यहाँ पर हज को उससे काफी खतरा था और यहाँ उसको याद आता है कि अक्टूबर ने उससे क्या कहा था कि एलिजाबेथ को अपना चेहरा मिरर में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बात याद आते ही हज मिरर को उसकी तरफ करता है, जिसको देखने के बाद में उसे कुछ अजीब होने लगता है। इसी बीच हज उस टावर में लाइटर से आग लगा देता है, जिससे एलिजाबेथ भी जलने लगती है। और यहाँ पर हज उसी रूम में फंस गया था, तो उसको पता था कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन तभी वहाँ पर स्विंग आ जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो उसको बचाकर वहाँ से ले जाता है। असल में स्विंग रोज के पौधों में गिरा हुआ था, जिसके कारण एलिजाबेथ उसको नहीं मार पाई थी और अब वो तीनों ही बिल्कुल सुरक्षित वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये चीजें इतनी आसानी से खत्म होने नहीं वाली थी। तभी एक सीन आता है और हम एक गेम शॉप को देख पाते हैं, जहाँ पर स्टे अलाइव गेम की ढेर सारी कॉपीज थी, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एलिजाबेथ दोबारा लौटकर जरूर आएगी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टे अलाइव मूवी की कहानी और इसका जो सीक्वल है वो भी जल्दी ही आने वाला है। मैंने सुना है कि जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो इसका सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी पुश करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस मूवी के अंदर जो हमको दिखाया गया है, तो इस गेम का जो डेवलपर है, तो मेरे ख्याल से उसने पक्का कुछ ना कुछ जादू टोना करके इस चीज को किया होगा, या तो पक्का वो एलिजाबेथ का कोई ना कोई वंशज रहा होगा जिसने एलिजाबेथ की ये विश पूरी की होगी कि वो वापस आना चाहती है, क्योंकि एलिजाबेथ की मरने से पहले यही प्रेयर या फिर यही कर्ज था कि वो वापस लौट कर आएगी। तो वो एडवांस होकर और एक गेम के रूप में वापस आई है। और मुझको पर्सनली ये कर्स्ड गेम वाली जो हॉरर मूवीज होती हैं वो बढ़िया लगती हैं। जो इस गेम का डेवलपर है उसने पक्का विच की चैंटिंग को कोडिंग के रूप में इस गेम के अंदर डाल दिया होगा। मतलब जब आप इस गेम को खेलना शुरू करते हो तभी आप उससे जुड़ जाते हैं और तब रियलिटी और गेम जो होता है वो एक हो जाता है। और यहाँ पर गेमिंग के जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, उसको भी दिखाया गया है कि लोग जो होते हैं वो गेम को इस हद तक खेलते हैं कि वो उसके अंदर पूरी तरह डूब जाते हैं और रियलिटी और गेम की जो लाइन होती है ना, यानी कि जो फाइन लाइन होती है, वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अब बात करें एलिजाबेथ के बारे में, तो वो एक रियल लाइफ वुमन के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी के अंदर जो कहानी बताई गई है ना, वो है काउंटेस एलिजाबेथ बैथरी की, जिनका जन्म 7 अगस्त 1560 को हुआ था, जिनकी मृत्यु 21 अगस्त 1614 में हो गई थी। एलिजाबेथ और उसके 4 सर्वेंट्स ने मिलकर 100 से भी ज्यादा लड़कियों का कत्ल किया था और ये सारे कत्ल एलिजाबेथ ने खुद अपने सर्वेंट से करवाए थे। 14 साल से लेकर 18 साल तक की लड़कियों का कत्ल करके उनके खून से वो नहाया करती थी। उसका मानना था कि वो उनके खून से नहाकर हमेशा खूबसूरत बनी रहेगी। अब जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो एलिजाबेथ को 1611 में उसके ही कैसल के अंदर जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ से सिर्फ हवा और खाना ही उसको मिलता था। एलिजाबेथ ने वहाँ पर 3 साल बिताए थे, जिसके बाद में 1614 में उसकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी पूरी फिल्म और रियल स्टोरी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए